देवघर में ठहरे हैं सांसद पप्पू यादव। आज सुबह 9:30 पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दूसरी जगह के नेताओं कैसे देवघर में ठहरे हैं, दूसरे विधानसभा के नेताओं को वोटिंग से 48 घंटे पहले छोड़ देनी होती है, तो जगह को छोड़ देनी होती है। वही पप्पू यादव पर चुनाव आयोग अब संज्ञान कब लेगा, ये बड़ा सवाल है। तो दूसरे जगह के नेता देवघर में कैसे ठहरे हैं, ये बड़ा सवाल है। और यहां तक कि दूसरे विधानसभा के नेताओं को वोटिंग से 48 घंटे पहले जगह को छोड़ देनी होती है। पप्पू यादव पर क्या चुनाव आयोग संज्ञान लेगा, और लेगा तो फिर कब? तो देवघर में सांसद पप्पू यादव ठहरे हुए हैं, और आज सुबह 9:30 पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दूसरे जगह के नेता देवघर में कैसे ठहरे हुए, बड़ा सवाल है। वही दूसरे विधानसभा के नेताओं को वोटिंग से 48 घंटे पहले ही जगह को छोड़ देनी होती है, लेकिन पप्पू यादव अभी भी वहीं पर है। पप्पू यादव पर चुनाव आयोग संज्ञान कब लेगा, ये भी बड़ा सवाल है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।